माइग्रेंट लेबर है, बिहार से आए थे, दिल्ली में बस गए, उनकी 2 साल की बच्ची के हार्ट में छेद निकला, दर बदर की ठोकरें खाई, कई प्राइवेट अस्पतालों में लेके घूमे, लाखों रुपए खर्चा बताया, अल्टीमेटली दिल्ली सरकार के अस्पताल में उसका पूरा इलाज मुफ्त हो गया। और ये भी माइग्रेंट लेबर हैं, बाहर से आए थे, दिल्ली में बस गए, इनको थ्रोट का ट्यूमर था, एलएनजेपी के अंदर इनका पूरा इलाज मुफ्त हुआ। आज दिल्ली के अंदर चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके इलाज का हमने मुफ्त इंतजाम किया है। तो मैंने कैलकुलेट किया, अगर केवल मैं दवाइयों का, टेस्ट का, कंज्यूमेबल का खर्चा देखूं जो इलाज करने के लिए खर्च होता है, तो पिछले 3-4 साल से दिल्ली सरकार सबका इलाज, पूरा इलाज मुफ्त कर रही है। और औसतन दिल्ली के एक निवासी के ऊपर पर पर्सन दिल्ली सरकार का 2000 रुपए का खर्चा आता है, बस 2000 रुपए का साल का। किसी को कम की जरूरत पड़ती है, किसी को जरूरत नहीं पड़ती, कईयों को ज्यादा की जरूरत पड़ती है, औसतन 2000 रुपए का। पूरे देश में 130 करोड़ लोग हैं, व्यक्ति का पूरे देश में हर व्यक्ति को अच्छे से अच्छा इलाज मुफ्त में अगर हम इंतजाम कर दें, जाएगा बस। देश के कितने लोग ऐसे हैं जो मैं जानता हूं जिनके पास पैसे नहीं होते, आत्महत्या कर लेते हैं पैसों की कमी के कारण। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में पैसे नहीं होते, इलाज, जमीन बेचनी पड़ जाती है, औरत के जेवर बेचने पड़ जाते, घर बर्बाद हो जाता है। हम पूरे देश के सारे लोगों का, 130 करोड़ लोगों का 2.5 लाख करोड़ रुपए में इंतजाम कर सकते हैं अच्छे से अच्छे। और ये नहीं कि, और इसमें काफी सारे पैसे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें खर्च कर ही रही हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा उसके पहले, हमें चारों तरफ खूब सारे अस्पताल बनाने पड़ेंगे देश में, चारों तरफ खूब सारे मोहल्ला। अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं देश में, पहाड़ों में, इधर उधर आदिवासी इलाकों में कोई अस्पताल ही नहीं है, कई कई किलोमीटर तक कोई अस्पताल नहीं है। और कई जगह मैं देखता हूं कि इंश्योरेंस करा देते हैं कि ये लो इतने लाख रुपए का तुम्हारा 5 लाख का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेके आदमी क्या करेगा, अस्पताल ही नहीं है, इंश्योरेंस का क्या करेगा, अस्पताल तो चाहिए। देश को अस्पताल चाहिए, देश को मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, देश को दवाइयां चाहिए, इंश्योरेंस से काम नहीं चलेगा। 5 साल के अंदर हम पूरे देश के अंदर अस्पताल खोल सकते हैं, 5 साल के अंदर हम पूरे देश में, इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक के लिए फ्री और शानदार इलाज का इंतजाम 5 साल के अंदर हम कर सकते हैं। और फिर से मैं निवेदन करता हूं, लोगों को अच्छा इलाज देना फ्री भी नहीं है, लोगों को अच्छा इलाज देना फ्री की रेवड़ी नहीं है। हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए, भाई बहन बीमार हो जाए, बहन बीमार हो जाए, पिताजी बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, कुछ भी करना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, जेवर बेचने पड़े, हम इलाज कराते हैं नहीं कराते? हमारा 130 करोड़ लोगों का परिवार है, 130 करोड़ आज हमें प्रण लेना पड़ेगा, 130 करोड़ लोगों में कोई भी बीमार होगा, हमारा देश उसका इलाज कराएगा, उसका फ्री में इलाज कराएगा। यह भी मैंने स्टडी किया, बहुत सारे अमीर देश, कनाडा, इंग्लैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन सब लोगों ने अपने सारे लोगों का फ्री इलाज का इंतजाम कर रखा है। तो अगर भारत को अमीर बनना है तो अपने को शिक्षा का और इलाज का, अच्छा शानदार और मुफ्त इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, 75 साल में हम पीछे क्यों रह गए, लेकिन अब पीछे नहीं रहेंगे। अगर 130 करोड़ लोग ये ठान लें कि भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है, 75 साल पहले पूरा देश इकट्ठा हुआ था,
हमने अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया। आज अगर पूरा देश इकट्ठा हो जाए तो भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आने वाला समय भारत का समय, फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया, और मुझे पूरा यकीन है बहुत कम समय में, आने वाले समय में भारत दुनिया का नंबर वन देश बन के रहेगा। इस मौके पे मैं चार पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। भारत।